हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे बी सेज दिल से। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये है मेरी प्रेग्नेंट जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। हाँ जी दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या जो इंस्टेंट नूडल्स हैं जैसे मैगी, यिप्पी और सारे जो भी हैं, क्या इनको प्रेगनेंसी में खाना सेफ है कि नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ यूट्यूब पर लाखों चैनल, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार मेरे चैनल का लिंक हो गया गुम तो आपको ढूंढना हो जाएगा बड़ा मुश्किल। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मेरा चैनल आपको प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत से छोटे बच्चों के भी होम रेमेडीज़ दिए गए हैं जो कि 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है और काम करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगा घंटी वाला बटन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो क्या ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं ये खाना सेफ है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, इसमें होता है, इन इंस्टेंट नूडल्स में होता है MSG, मतलब कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एक तरह से जो है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो MSG है दोस्तों, इसको अगर आप ज़्यादा खाते हो या क्वांटिटी में खाते हो तो ये बेबी को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल देता है। इसीलिए पहला ये कारण है कि MSG जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और उनके बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ये कारण है कि आपको नहीं खानी चाहिए मैगी। दूसरी बात है कि जो ये नूडल्स होते हैं इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, और सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ को ऐसी थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा होती है, उसमें हाइपरटेंशन हो जाती है, तो हाइपरटेंशन होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कई होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, वो कहती हैं भाई हम मैदे वाले नहीं, हम तो आटा नूडल्स खा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो रहेंगी ही रहेंगी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, ये जो नूडल्स हैं जो आप इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, इसमें ना तो कोई तत्व है, ना कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, और कई बार तो हमने देखा है कि काफ़ी लंबे समय तक ये डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं ठीक से बॉडी में। और अगर बेबी है तो ये सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं तकलीफ़ में डाल सकती हैं। तो ये हैं कुछ कारण जिनकी वजह से अगर आप हो सके तो इसको अवॉइड करें, तभी आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।